हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्नेहा के क्रिएटिविटी चैनल को आपको स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम शेप के और भिगोए हुए मूंग दाल से सब्जी बनाएंगे। आप अंत तक वीडियो देखिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके लिए भिगोया हुआ मूंग दाल ले लीजिए और शेपू भाजी को मैंने काट लिया है। इसको कन्नड़ा में सब्बस्की सोप्पू बोलते हैं। और हरी मिर्च टेस्ट के अनुसार ले लीजिए। ये जीरा है, ये नारियल है, ये एक प्याज काटा हुआ ले लीजिए, हल्दी और नमक ले लीजिए। ये मिर्ची, जीरा और नारियल मिक्सर में डाल के दरदरा पीस लीजिए। दो कली लहसुन भी डालिए, ऐसा दरदरा पीस लीजिए। तेल गरम हो चुका है, जीरा डालिए, प्याज डालिए, ये पेस्ट को ऐड कीजिए और थोड़ा भून लीजिए। अभी शेपू भाजी डालिए, ये मिक्स होने के बाद ग्रीन मूंग को डालिए। ये स्प्राउटेड रहेगा तो और भी टेस्ट बढ़ जाता है। और मिक्स कीजिए। अभी हल्दी पाउडर डालिए और नमक ऐड कीजिए। इस तरह से मिक्स कीजिए। मूंग दाल पकने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए। ढक्कन डाल के एक 10 मिनट कुक करने के लिए रखिए धीमी आंच पे। आपका सब्जी तैयार हो जाएगा। पूरा कुक होने के बाद ये सब्जी ऐसा दिखेगा। ये कुक होने के बाद ऐसा टूटता है, तभी ये कुक हुआ ऐसा समझ लीजिए। ये बहुत टेस्टी लगता है। शेप के साथ बना सकते हैं आप मूंग दाल डाल के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन पे कमेंट्स लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।